उधर अखनूर में जिस व्यक्ति का फोटो सोशल मीडिया पर रियासी हमले का आतंकवादी बताकर वायरल किया जा रहा है, असल में वह अखनूर के जड़ गांव का निवासी मुकेश है, जो ले में पॉटर के तौर पर काम करता था और वही वापस अपने घर जा रहा था। वही पुलिस ने इलाके में अफवाह फैलते देख तुरंत कार्रवाई करते हुए मुकेश को ढूंढ निकाला और तमाम लोगों को यह सूचना दी कि वह अफवाहों से बचे, कुछ भी सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड करने से पहले अपने संबंधित पुलिस थाने से उसके बारे में जांच जरूर कर लें। अखनूर में फिलहाल ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और कोई आतंकवादी नहीं है। स्केच जो है वो जारी किया था, आज शाम को हमें एक इनपुट आता है कि उसी सिमिलर लुक का एक बंदा जो है वो ओल्ड हॉस्पिटल अखनूर में देखा गया है। तो उसके बाद पूरे शहर में एक पैनिक का माहौल फैल गया और जो सोशल मीडिया पे है उस पर र्यूमर फैलना शुरू हो गए और एक कंपैरिजन जो है वो ड्रा करने के किया गया, तो हमारे लिए एक चैलेंज बन गई। उसके बाद हमारी अखनूर टीम जो है वो सारी इकट्ठी हुई, हमने डिसाइड किया, हमारी मल्टी जो है वो टीम्स जो है वो बनी और हर तरफ हमने जो है कोशिश की और फाइनली जो है हमने इस बंदे को जो है वो लाया है यहाँ पे। इसका नाम जो है वो मुकेश कुमार है, ये जड़ का रहने वाला है और ये पोर्टर का काम करता है और आज ये बंदा ले से आ रहा था, तो इसकी जो लुक है वो सिमिलर उससे मिलती है। तो काफ़ी जो पैनिक जो है सोसाइटी खासकर अखनूर के बीच में, काफ़ी मीडिया वालों को भी हमें फ़ोन आ रहे थे, तो मेरी आपके माध्यम से पूरी अखनूर जनता से यही रहेगा कि जो बंदा था वो हमने पकड़ लिया है और ये यहाँ का ही रहने वाला बंदा है। मोर ओवर मीडिया वालों से भी गुजारिश है कि जब भी वो ऐसी न्यूज़ सोशल मीडिया पे चलाएं या और भी पोर्टल्स पे चलाएं, कम से कम एक हमारा ऑफिशियल जो है व्यू वो ले लें, क्योंकि इससे क्या होता है कि आजकल आपको पता ही है जम्मू के बीच में काफ़ी जो है वो र्यूमर्स चल रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस जो है और खासकर जम्मू की पुलिस की मैं बात करूं, हम सक्षम है कि कोई भी ऐसी अगर एक्टिविटी एरिया में होती है तो हम उसको जो है वो अच्छे से जो है वो कंट्रोल कर।